ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो थैंक यू। बड़ा कोइंसिडेंस था यार, विनय लोहान 3 दिन के लिए उदयपुर आए किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो घर आने के लिए मान गए। अगर वो आ जाए और सबके सामने कह दे तो फिर सबको यकीन करना ही पड़ेगा। थैंक यू गंगा मैया, कुछ तो रास्ता मिला। रास्ता मिल गया है नायरा, मंजिल भी मिल जाएगी। यस, संगीत के बाद दादी जो सुहाना को गहने देंगी, अगर वो लोग गहनों के लिए नाटक कर रहे हैं तो हम उन असली गहनों की जगह नकली गहने रख देंगे। सविता ताई कहाँ है? अरे ये सविता ताई का भी समझ नहीं आता है मुझे। मुझे कहा था कि तीनों की टिकट कराने के लिए कहीं साइड में जाकर बात करनी है, आप दिख नहीं रही। तो ना नजर रख उन पे, खुद को बहुत स्मार्ट समझते लेकिन है नहीं, कहीं उनकी स्टूपिड हरकतों की वजह से हमारा प्लान ना फेल हो जाए। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, पर जब जरूरत होती है तब कोई नजर नहीं आता। ओ देवो, लगी लगी जल्दी जल्दी। ये दोनों यहाँ? कीर्ति अपने ध्यान से देख लिया ना, ये सब नकली है ना? ये सब नकली है, असली वाले नायरा के रूम में। सुपर, मतलब सुहाना को जो देने हैं वो ये है नकली। नायरा का प्लान है कि दादी जो गहने सुहाना को देगी वो नकली देगी, और जैसे बाय चांस सुहाना भाग भी गई ना तो असली वाले बच जाएंगे। सुपर, कितनी सोनी है नायरा, मुझे जल्द से जल्द सुहाना को बताना पड़ेगा वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं, कौन से जाऊं? सुरेखा, नायरा नहीं दिख रही, कहाँ पे है? संगीत शुरू करना है ना? हाँ दीदी, थीम के बारे में तो उसी को पता है। बोल रही नायरा। नायरा कहाँ गई थी तुम? कितनी देर से हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा बिजी हो गए थे। अब शुरू करें? हाँ नायरा, पर थीम क्या है? हाँ, हमारे संगीत का थीम है बॉलीवुड जिठानी देवरानी। नायरा, ये थीम क्यों? आजकल तो कितनी नई नई थीम्स आई हैं। हाँ है तो, पर आज हम यही करेंगे। इस शादी के बाद सारे रिश्ते वैसे ही रहने वाले हैं। चेंज होगा तो सिर्फ मेरा रिश्ता, मैं जिठानी बन जाऊंगी, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, इसलिए हम यही थीम रखेंगे। आज सारी जिठानियाँ अपनी अपनी देवरानियों के साथ डांस करेंगी और फिर उनमें से हम बेस्ट डांसर चुनेंगे। तुझे भी नाचना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, इसलिए तो रखा है उसने ये थीम। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तिजोरी तो तुम साफ करने वाले थे ना, मेरा काम सिर्फ चाबी देना का था, समझे? सुहाना, तुम मेरे साथ डांस करोगी ना? क्यों नहीं भाभी। अच्छा तो फिर शुरू करो, पहले कौन आएगा? अब माँ और चाची और बड़ी दादी और छोटी दादी। अरे नायरा, पर मैं चलो ना दीदी, करते हैं डांस। सुरेखा, माँ चाबी निकाल दीजिए कमर से, कहीं गिर ना जाए। हाँ। नायरा, शोर तुम भी डांस करोगी? अभी अभी सर्जरी हुई। मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ कार्तिक, मैं कुछ नहीं जाने तुम ही करते, ना जान नहीं कहने। कैसे भी करके जल्द से जल्द दोनों को बताना पड़ेगा वरना नकली गहनों के चक्कर में असली की बात लग जाएगी। क्या करूं? गलत घर में पंगा ले लिया इन लोगों ने, जानती नहीं ना अभी नायरा को। नायरा आज इसे छोड़ेगी नहीं। अगर इन तीनों को रंगे हाथ नहीं पकड़ना होता ना तो कब का ठिकाने लगा देते इन्हें हम लोग। पंकज ने वो गिफ्ट स्टोर रूम में छुपाया ना? हाँ,
कोई देखना इसलिए और नहीं तो मिलेगा क्या कर मिलेगा मिलेगा मैनेजर आएगा चल चल देखते हाँ चल देखते मेरे साथ भी एक डांस तो बनता है ना हाँ हाँ करो 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 हाँ हाँ छू कर गई तेरी छुअन महका हूँ मैं महका है मन मारे खुशी पागल बनाए ये इश्क बन पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है देखो ना प्यार 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 लिख डांस किया दोनों पर सवाल तो ये है कि ज्यादा अच्छा डांस किसने किया है सुहाना ने या भाभी ने अरे वाह सुहाना हमें तो पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा डांस करती हो है ना बहुत बढ़िया बेटा अच्छा है ना शादी के बाद नायरा की डांस एकेडमी में तुम भी उसकी मदद कर सकती हो है ना नायरा जी दादी बिल्कुल तो इसका मतलब सुहाना ये कॉम्पिटिशन जीत गई नहीं बेटा जीती तो नायरा है सुहाना अच्छा डांस करती है लेकिन नायरा के हाव भाव बहुत अच्छे हैं, जिसकी सुहाना में अभी कमी है पर कोई नहीं नायरा के साथ रह के वो ये भी सीख जाएगी हाँ तुम्हें क्या लगता है सुहाना जी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप जिसके जो मन में होता है ना सुहाना वही उनके चेहरे पे भी दिखता है जिन हाव भाव की बात दादी ने की वो डांस के कम मन के ज्यादा थे अगर थोड़े अच्छे मन से डांस करती ना तो शायद ये कंपटीशन तुम जरूर जीत जाती मुझे कोई शौक नहीं है डांस में जीतने का ये सब तुम्हें मुबारक हो कमाल है डांस में जीतना भी नहीं है फिर भी दूसरे की ड्रेस काटती ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए और फुताल से बाहर हो जाए कोई कितनी भी कोशिश कर ले छुपाने की सच बाहर आ ही जाता है तुम्हारा घटियापन भी दिख गया सुहाना इस एक ही बात में खुद लड़की होके दूसरी लड़की की इज्जत को इस तरह तुम सीधी तरह समझने वालों में से नहीं हो सुहाना तुम्हारे लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा सविता ताई कब से बुला रही हूँ तुझे मैं हाँ ऐसे हाथ कर कर के इशारे कर रही हूँ ऐसा क्या नाचने में मस्त है कि तुझे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा अरे इतना अर्जेंट था तो पास में आके बोलना चाहिए था ना नहीं बता सकती तू चल यहाँ से फसाएगी मुझे चल मैं तुझे वहाँ नहीं बता सकती थी नायरा ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था उसको पता चल जाता कि मैं बाहर आ गई क्या वो हमारे असली नाम जानती है रेशमणि मंजरी मालूम आई थे नहीं सुन लिया होगा कहीं कुछ उसने ये नोएडा ना बहुत स्मार्ट ये वो सब छोड़ो ये बताओ तुम दोनों ने तिजोरी साफ की थी नहीं अरे कहाँ मौका ही नहीं मिला अब तो बस उसी से काम चलाना पड़ेगा वो जो तुम्हें चढ़ाएंगे वो नकली है नकली हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से लक्षा प्रीति को डब्बे में नकली गहने रखते हुए देखा नायरा मैडम ने बताया उनको इस नायरा की तो मैं अपन देखना नायरा तुम्हारी ही चली हुई चाल मैं तुम पे कैसे उल्टी चलती हूँ स्टेज पे तो पति ने इज्जत बचा ली तुम्हारी लेकिन अब जो उतरेगी ना इसे कोई नहीं संभाल पाएगा सविता तय आप वहीं जाइए जहां पे नायरा ने आपको बंद किया था और राहुल
सविता ताई तब तक बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये तो पता तेरा प्लान क्या है? ये रिश्ता क्या कहे?